सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, हिद्वानी मार्केट के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के गौरी कुंज में अखंड भारत संकल्प दिवस के मौके पर प्रांत मंत्री नंददास दंडोतिया ने कार्यक्रम की दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की और देश को अखंड बनाने का संकल्प लेते हुए कई बातें कही। आइए उनकी बात आपको सुनवा। आज से 200 साल पहले पहला कोई राज्य जैसा हमसे चला गया अफगानिस्तान, और उसके बाद लगातार 8-9 देश अलग हुए। पहले राज्य रहे होंगे भारत के, लेकिन आज वो देश हो गए हैं। 1947 वाले विभाजन को ज्यादा स्मरण या ज्यादा ध्यान इसलिए दिलाना पड़ रहा है कि उस विभाजन को केवल सामान्य सा विभाजन मानकर लोग भूल गए हैं। तो क्यों था विभाजन? विभाजन का थोड़ा सा अर्थ या बंटवारे का थोड़ा सा अर्थ हमने स्पष्ट कर रखा है अपने मन में। मैं एक्सपर्ट ऐसे लोगों को बुला के, तो कितनी दुकानें हैं बराबर बांट दो, कितने मकान हैं बराबर बांट दो, उन मकानों का मूल्य क्या है उस हिसाब से बांट दो, जमीन है तो कितने कितने बीघा, सिंचित जमीन कितनी, असिंचित कितनी, ऐसे करके। और वो निपुण लोग बैठते हैं, घर परिवार के लोग बैठते हैं और बंटवारा हो जाता है। उसके बाद फिर बढ़िया पार्टी होती है, मालवा में तो दाल बाफली पार्टी होती होगी। ऐसे सुखद बंटवारा होता है, 1947 का बंटवारा ऐसा नहीं था। इस बंटवारे से एकदम अलग बंटवारा था। 1946 के सितंबर में अंतरिम सरकार गठित हो गई थी और उसके मुखिया कौन बने थे? सीधे सीधे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री बन गए थे। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। माने स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को नहीं, उसके और पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए हैं हमारे देश के। तो जरा ध्यान रखना, अगले 15-20 मिनट और ज्यादा नहीं दूंगा आपके, 25 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री है 1946 के सितंबर में, और 1947 में 15 अगस्त को जब दंगे हो रहे हैं तो उस समय पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का साथ वहां की पुलिस नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे मुसलमान हैं, पुलिस वाले, वहां की मिलिट्री उनका साथ नहीं दे रही है, हिंदुओं का बचा नहीं रही है। क्यों? कि मिलिट्री के उधर के सारे लोग मुसलमान हैं। ऐसा कैसे हो गया सोचने का विषय है कि नहीं है, बताइए। कि बंटवारा 15 अगस्त 1947 को हो रहा है, उसी दिन पूरी मिलिट्री अलग हो गई। ऐसे कैसे हो गई होगी कि पूरी पुलिस अलग हो गई? कैसे हो गई होगी? तो पहले से सब कुछ चल रहा था, अधिकारियों को